नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ फाइल रीड नहीं कर पा रहा और ये परमानेंट राइट प्रोटेक्शन इनेबल है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार फिर से आइडेंटिफाई कर लेंगे, स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें ये राइट प्रोटेक्शन का एरर है, अभी ये फाइल तो रीड करना है फिर रीड हो नहीं रहा है, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। ये फाइल रीड होना चाहिए, सबसे पहले तो फाइल रीड होना चाहिए, अगर फाइल रीड हो जाता है तो वही फाइल हम इसको राइट करेंगे आरपीएम भी क्लीन करने के लिए, और उसके बाद ये डिजेबल राइट प्रोटेक्शन भी हमारा क्लियर हो जाएगा, इसकी वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं होता। तो चलो यहाँ पे क्या करते, ये तो रीड नहीं हो रहा, एक बार यूएफआई के अंदर देखेंगे ये फाइल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो इसका फाइल का नंबर देखो क्या है, ई ए के एम 3P6001CM। अपडेट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे तो नहीं बता रहा है, यूएफआई के अंदर तो शायद नहीं है उसका फाइल। ये रीड नहीं हो पा रहा और ये रिपेयर भी कर नहीं पा रहा है। तुम्हारे पास इसका इजी डेक बॉक्स है? चलो ठीक है, ये देखो अभी ये रिपेयर करने में एक तो डेड भी हो सकती है, फिर एक तो चालू भी हो सकती है, क्योंकि इसका फाइल नहीं है, बैकअप नहीं कर पा रहा है। अब कोशिश तो करेंगे, एक बार अपडेट करके देख लेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब ये डिटेक्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको एमएमसी को रिपेयर करना पड़ेगा। ये फेल्ड हो गया क्योंकि इसमें फाइल ही नहीं है, इसके पास यूएफआई के पास फाइल ही नहीं है, इसके लिए ये फेल्ड हो रहा है। अब ये इसको रिपेयर करने के लिए फाइल की बहुत ज़रूरी है। देखते हैं एक बार अपडेट पे फिर से क्लिक करते हैं और एक बार क्या करते हैं, इसको हम चेक करेंगे फाइल इसका है या नहीं है। अगर रीड कर लेते तो यहाँ आ जाता है, लेकिन रीड नहीं हुआ तो उसको अलग से डालना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ देखते हैं अगर इसमें यूएफआई में है तो ठीक है, या फिर वो फाइल हमें नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसका नंबर बताइए, यही है नंबर KMP3। उसका आईसी निकालो डब्बे में से और चेक करो नंबर, यही है, ठीक है। आईसी लगा दो वापस डब्बे में, लगा दिए, एक बार देखते हैं ये फाइल ये राइट कर सकता है कि नहीं कर सकता। हाँ सर, प्रोग्राम लगाओ, टेलीग्राम पे डाल दें। आज का है ये? आज का है, पूरा है, पूरा है, पूरा ऑन हुए तक है, ऑन करे लास्ट ऑन नहीं करे, ठीक। परसों का क्या था इससे पहले का? ठीक है, ये हो गई है रिपेयर, हो गई है। पहले वो ऑटो में नहीं रीड हो रही थी, रिपेयर नहीं हो रही थी, तो एमएमसी डेड हो गई थी, ठीक है। अभी ये वापस से मैनुअली हमने फाइल लेके कर दी है, अब ये यहाँ पे अपडेट कर दिया है, फर्मवेयर अपडेट वेरीफाइड हो गया है। एक बार आइडेंटिफाई करके देखते हैं, इसका आरपीएम भी जो है वो भी क्लीन हो गया है और उसका जो एरर था वो भी हट गया है, देख रहा है, हट गया एरर, और यहाँ पे आरपीएम भी की जो है वो भी क्या हो गई, यहाँ पे क्लीन हो गई। हाँ, अभी ये नॉर्मल आईसी हो गई है और इसमें जो आ रहा था एक राइट प्रोटेक्शन जो आ रहा था इनेबल रेड कलर में, वो अब डिजेबल हो गया, हाँ चला गया, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह से ये फ़ोन तुम्हारा प्रॉब्लम में था, रिस्टार्ट हो रहा होगा या लोगों पे स्टक होगा या रिस्टार्ट हो रहा था ना, इसके साथ साथ हेल्थ भी रिपेयर हो जाती है इसका। तो यहाँ देखेंगे हम, हेल्थ भी देखो 0 to 10 हो गई है, पहले 10 to 20% पे कुछ रिजर्व ब्लॉक बता रहा था, ठीक है। अभी यहाँ तो सब क्लियर हो चुका है और
इसमें सबसे पहले तो फ्लैश फाइल डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका फुल टर्म रीड नहीं हो रहा था हेल्थ, वो जो एरर की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी वो तो। सीधा अभी हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा फ्लैशिंग कर लेंगे, और इसका जो सिक्योरिटी फाइल जो हमने अलग से बैकअप किए थे वो हम सीधा यूज़र एरिया पार्ट में आके यहाँ से वो राइट कर लेंगे। अभी तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें फ्लैश फाइल डालना पड़ेगा, तो फ्लैशिंग करो यहाँ से फैक्ट्री इमेज में जाके, फाइल यहाँ से डालना होगा, ठीक है। मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक का फाइल डाल दो, और रिपार्टीशन को टिक लगाना, जैसे मीडियाटेक के अंदर आप फाइल डालोगे रिपार्टीशन को टिक लगा देना है, और यहाँ से फ्लैशिंग स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आफ्टर फ्लैशिंग के बाद आपको जो पिंग फाइल आपने जो बैकअप किए थे वो यूजर एरिया पार्ट में आके वो एक एक करके इसमें सब में फाइल डाल के राइट कर देना, उसके बाद फोन में लगा के ऑन कर देना, काम हो जाएगा, ठीक है। ओके।